मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेकेंड एंड सब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर। ओके बेटे, योर इंग्लिश एग्जाम इज डन, सो नाउ कम ऑन योर स्टडी। अब हम स्टडी करेंगे, एग्जाम्स कंप्लीट होने को आ गए हैं, एक दो एग्जाम बचे होंगे आपके, तो बेटा आप स्टडी भी करना साथ साथ शुरू कर दीजिए। ओके, वी हैव डन सिक्स चैप्टर ऑफ दिस बुक, क्लास सेकेंड के सिक्स चैप्टर ग्रामर के हम लोग कर चुके हैं। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू चैप्टर 7, सो लेट्स स्टार्ट। टेक आउट योर बुक्स एंड ओपन चैप्टर 7। इट इज़ योर चैप्टर 7 ऑन पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 पे चैप्टर 7 दिया हुआ है। चैप्टर 7 का नेम क्या है बेटे? एज यू सी इन दिस वीडियो, द नेम ऑफ चैप्टर 7 इज प्रोनाउंस। तो क्या हम डिस्कस करेंगे आज? प्रोनाउंस। प्रोनाउंस डिस्कस करने से पहले आपको वन थिंग रिमेंबर करनी होगी, दैट इज नाउन। यू आई होप यू नो वेरी वेल द डेफिनेशन ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। हम लोग अच्छे से रीड कर चुके हैं नाउन के, हमने टाइप्स भी यूज़ किए थे, टाइप्स को भी डिस्कस किया था और डेफिनेशन भी हम लोगों ने अच्छे से रीड की थी। उसके बाद फॉर्म्स भी, नाउन को सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सिक्स चैप्टर हम रिमेनिंग पर्टेनिंग टू नाउन कर चुके हैं। ठीक है, नाउन से रिलेटेड थे वो सारे चैप्टर जो हम कर चुके हैं। कुछ सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस भी थे, लेकिन नाउन से ज़्यादा थे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की होगी नाउन के बारे में। अब हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेटा प्रोनाउन क्या होता है, पहले अगर आपको सिंपल एक डेफिनेशन में बता दूँ ज़्यादा बेटर रहेगा आपको समझना, कि प्रोनाउन होते हैं बेटे जिन वर्ड्स को हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके बेटे, अच्छे से रिमेंबर करेंगे, द वर्ड्स विच वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन के प्लेस पर जिन वर्ड्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं बेटे प्रोनाउन। अब हम चैप्टर में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, तो रीड दीज लाइन्स, ये लाइन्स आप लोग रीड करोगे। सी व्हाट आर दीज लाइन्स, राहुल वेंट टू द पार्क विद हिज फैमिली, दे वेंट देयर बाय देयर कार, ये देयर होता है और ये दियर होता है। ठीक है, इट्स सीट्स वर रेड इन कलर, देयर ही मेट हिज फ्रेंड हु वॉज विद हिज फैमिली, ही आस्क्ड व्हाट इज योर डॉग्स नेम, ही टोल्ड हिज डॉग्स नेम वॉज सोफी, इट वॉज वेरी क्यूट, हिज सिस्टर वॉज ऑल्सो विद हिम, हर नेम वॉज डेजी, शी वॉज वेरी प्रेटी, देयर विजिट टू द पार्क वॉज वेरी एंजॉयबल। ठीक है, राहुल इज नाउन, एज वी नो वेरी वेल राहुल नाउन है क्योंकि नेम ऑफ पर्सन है ये। ठीक है, नेम ऑफ पर्सन क्या होता है? नाउन होता है। ही इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, आपने देखा नाउन राहुल की जगह पे हमने ही यूज किया, तो देखो देयर ही मैट, ये राहुल, ही कौन? राहुल यहाँ पर, तो राहुल के लिए बेटे हमने क्या यूज़ किया? ही यूज़ किया। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, राहुल के लिए हमने क्या यूज़ किया बेटा? ही यूज़ किया। ठीक है, ही इज़ यूज फॉर अ बॉय और अ मैन, ही का यूज़ हम बॉय और मैन के लिए ही करते हैं। नाउ टर्न द पेज, डेजी भी नाउन है, शी इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डेजी की जगह पे हमने क्या यूज़ किया? शी, तो क्या हुआ? शी इज़ यूज फॉर अ गर्ल और अ वुमन, बेटा शी गर्ल और वुमन के लिए यूज़ करते हैं। डॉग इज़ अ नाउन, डॉग नाउन है आपको पता है, इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ डॉग, डॉग के लिए हमने क्या यूज़ किया? इट, सो वी कैन से इट इज़ यूज फॉर सिंगल थिंग प्लेस एनिमल, किस किस के लिए यूज़ होता है इट? वैसे तो इट हम ट्रीज के लिए भी यूज़ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं, बट ये अब हम इसी पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो इट किसके लिए यूज़ होता है बेटा? सिंगल थिंग्स प्लेसेस और एनिमल के लिए। तो दे इज़ अ प्रोनाउन, दे भी प्रोनाउन है, दे इज़ यूज इन प्लेस ऑफ फैमिली, दे इज़ यूज
फॉर प्लूरल नाउंस. दे किसके लिए यूज होता है? प्लूरल नाउंस के लिए. किसके लिए यूज होता है बेटा? प्लूरल नाउंस के लिए. नाउ सी डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन. अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, अच्छे से रीड करेंगे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह पर जो यूज़ होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रोनाउन. जैसे कि ही, शी, इट, दे, आई, माई, हिज, ये सब क्या है? प्रोनाउन है. गॉट इट बेटे? नेक्स्ट, रीड दीज सेंटेंसेस टू लर्न मोर अबाउट प्रोनाउन. ज़्यादा प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए हम ये सेंटेंसेस रीड करेंगे. क्या है बेटा इन सेंटेंसेस में? आई एम ईटिंग माई फूड. We are playing in ground. Priyanka loves her family. Sakshi cooks her own food. This is a book. Its pages are brown. He does his homework on time. Please arrange your books properly. In sentence, आपने ये read किए. अब इसमें देखो, ये आपको एक प्रोनाउन की लिस्ट दी हुई है. हेयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रोनाउन दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन. आई, मी, ठीक है, वन के लिए. वी, अस, मोर देन वन. यू, वन के लिए भी यूज करते हैं. यू फॉर मोर देन वन के लिए भी यूज करते हैं. ही, हिम, फॉर मैन और अ बॉय, ठीक है. दे, देम, मोर देन वन. She, her, for only girl or woman के लिए. They, plural के लिए. It, for animal or things. They, for people, animals and things के लिए, ठीक है. अभी हम लोग pronoun discuss कर चुके हैं. अब हम क्या इसकी एक exercise करेंगे. एक दो exercise कर लेते हैं. और देखिए बेटा क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट बिलोंगिंग वर्ड्स. ये आपको यहाँ से लेने हैं वर्ड्स और इसमें फिल करना है. तो देखो, द चिल्ड्रन आर रीडिंग बुक्स. किसकी बुक पढ़ेंगे बच्चे? अपनी अपनी बुक पढ़ेंगे ना. तो क्या फिल करेंगे इसमें? चिल्ड्रन प्लूरल है तो इसमें आएगा बेटा दियर, टी एच ई आई आर, ठीक है. ही प्लेज विद His cat. वह अपनी cat के साथ तो खेलेगा. She plants a tree in her garden. वह अपने garden में ही तो plant करेगी. तो she और her girl के लिए use होते हैं. He और his boy के लिए use होते हैं, ठीक है. The tree is very old. Branches are very strong. तो its tree के लिए हम क्या use करेंगे? Its. What is the name of father? किसका father? Your father. What is the name of your father? Got it बेटे? Next, tick the correct word. आपको correct word use करना है. कैसे use करेंगे देखो. Soumya is watering plants. Soumya अपने water में plant करेगा सबके? His. अपने जो garden के plant है उनमें ही पानी दे रहा है वो. Mohini is cleaning. Mohini girl है, her. ठीक है. ही हैज नो पॉकेट इन शर्ट. ही बॉय है तो बॉय के लिए हिज. ही के लिए हिज. आई एम वॉशिंग आई, आई के साथ माई क्लोथ्स. आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, ठीक है. दे वेंट टू द पार्क विद डियर डॉग. दे डियर डॉग, ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बेटा. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम.